सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गाइस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमोन के बारे में जो कि गाइस लेजेंडी पोकेमोन तो नहीं है लेकिन गाइस लेजेंडी की तरह लड़ता है और गाइस वो पोकेमोन जरूर लेजेंडी होना चाहिए था। तो चलिए गाइस वक्त को बिना ना गवाए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस मैं हूं राकेश सर, आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया चैनल को। तो गाइस नंबर 5 पर जो पोकेमोन आते हैं गाइस वो है आर्कनाइन। एंड गाइस आर्कनाइन एक फायर टाइप पोकेमोन है और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका जो हाइट है 1.9 मीटर, इसका वेट है 155.0 किलोग्राम जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसका बेसिक स्टेट यानी कि गाइस इसका जो अटैक आप लोग देख सकते हो जो कि गाइस 110। एंड गाइस इसका जो डिफेंस है 80 जो गाइस वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है और गाइस ये पहले इस पोकेमोन को पहले गाइस एक लेजेंडी पोकेमोन में से कंफर्म किया गया था लेकिन गाइस बाद में वो लेजेंडी पोकेमोन मोल्टेस को दिया गया था। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो गाइस नंबर 4 पर जो पोकेमोन आता है गाइस वो मेरा फेवरेट पोकेमोन में से एक पोकेमोन है जो कि गाइस नाइनटेल्स। तो गाइस नाइनटेल्स एक फॉक्स टाइप पोकेमोन है और गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है और गाइस इसका जो लुक है काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। और गाइस एक फायर टाइप पोकेमोन है और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस साइकिक टाइप अटैक भी कर सकते हैं। और गाइस ये जो पोकेमोन है तकरीबन 150 से 250 साल तक भी जिंदा रह सकता है। और गाइस ये जो पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन था और गाइस एक ब्रॉक को एक पोकेमोन मिलते मिलते रह गया क्योंकि गाइस ब्रॉक ने बगलफिक्स को पकड़ा था और गाइस एक नाइनटेल ने ब्रॉक को अपना ट्रेनर समझकर उसको अपने पास जो कि गाइस कैद करने की सोच रहा था लेकिन गाइस हमारा हीरो एस एंड मिस्टी ने ब्रॉक को छोड़ा कर ले आया। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका जो बेसिक टेस्ट है आप लोग देख सकते हैं जो कि गाइस 76 है। एंड गाइस इसका जो डिफेंस है 75 जो कि गाइस वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और गाइस ये जो पोकेमोन है लेजेंडी जैसा इसका ताकत है काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन भी है। तो गाइस इसीलिए इस पोकेमोन को अपने सिलेक्ट पर नंबर 4 पर रखा। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो गाइस नंबर 3 पर जो पोकेमोन आता है गाइस वो एक स्क्रेप्टाइल और गाइस स्क्रेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। और गाइस स्क्रेप्टाइल हमारा हीरो एस के पास भी एक था और गाइस स्क्रेप्टाइल एस का जो स्क्रेप्टाइल था गाइस वो डार्काई को भी हरा कर रख दिया था जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है। और गाइस ये जो पोकेमोन है काफ़ी ज़्यादा ऑसम पोकेमोन है गाइस। इसका जो हाइट है 1.7 मीटर एंड इसका जो वेट है 52.2 किलोग्राम जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा हल्का पोकेमोन है लेकिन गाइस काफ़ी ज़्यादा उछल कूद भी कर सकता है। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका जो अटैक है 85 एंड गाइस इसका जो डिफेंस है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है गाइस जो कि 75 है। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम पोकेमोन भी है और गाइस एक निंजा टाइप पोकेमोन में से एक पोकेमोन है। और गाइस इस पोकेमोन का ताकत आप लोग देख सकते हैं जो कि गाइस जहाँ पे अपने मेगा रिवोल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं तब गाइस एक उसी लेजेंडरी पोकेमोन से कम नहीं होता। तो गाइस इसीलिए इस पोकेमोन को अपने इस लिस्ट पर नंबर 3 पर रखा। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो गाइस नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है गाइस वो है ग्रीन निंजा। तो गाइस ग्रीन निंजा को आप लोग सभी पहचानते होंगे जो कि गाइस एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा निंजा टाइप पोकेमोन है। और इसका जो असली टाइप है गाइस वो है वाटर एंड डार्क टाइप। तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं डार्क टाइप कितना ज़्यादा ताकतवर पोकेमोन है। और गाइस वो जो ग्रीन निंजा है गाइस वो हमारा हीरो एस का पास भी एक था जो कि गाइस एस ग्रीन निंजा में तब्दील हो सकता था। और गाइस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोकेमोन था जो कि गाइस किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को आसानी से मात दे सकता था। और गाइस इस जो पोकेमोन है गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका जो हाइट है 1.5 मीटर एंड इसका जो वेट है 40.0 किलोग्राम। और गाइस इसका जो अटैक है 90 एंड डिफेंस है 67 जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है। तो गाइस अब हम चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। सो गाइस फाइनल हमें नंबर 1 पोकेमोन देखने का मौका मिल गया है। तो गाइस नंबर 1 पर जो पोकेमोन आता है गाइस वो है कांटो रीजन का स्टार्टर पोकेमोन। और गाइस वो हमारे हीरो एस का पास भी एक था जो कि गाइस चारिजेट। तो गाइस चारिजेट इतना ज़्यादा खास पोकेमोन है जो कि गाइस फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है और गाइस ड्रैगन टाइप अटैक भी कर सकता है। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका जो हाइट है 1.7 मीटर एंड इसका वेट है 90.5 किलोग्राम जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और गाइस इसका अटैक है 84 एंड गाइस डिफेंस है 78 जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑसम भी है। और गाइस ये जो पोकेमोन है गाइस इसका दोनों मेगा रिवोल्यूशन है जो कि गाइस एक तो है मेगा चारिजेट वाई एंड गाइस एक जो है मेगा चारिजेट एक्स। तो गाइस मेगा चारिजेट एक्स इतना ज़्यादा ताकतवर है जो कि गाइस किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को हरा कर रख दे सकता है जो कि गाइस म्यूटू को उसने हरा कर रख दिया था जो हमें देखने को मिला था गाइस।
तो गाइस आप लोग समझ सकते हैं म्यूटू जितना ताकतवर पोकेमोन को मेगा चार्जर एक्स ने हरा दिया, तो गाइस किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को अपने बस में जरूर कर सकता है। तो गाइस इसी सारे बातों को मैंने ध्यान पे रखते हुए गाइस मेगा चार्जर एंड चार्जर को अपने सीरीज पर नंबर वन पर रखा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, इस पोकेमोन को मुझे नंबर वन पर रखना चाहिए था या फिर नहीं चाहिए था, आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बता देना। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब आप लोग फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर लेना, और गाइस कमेंट बॉक्स पे बताना मत भूलना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में, बाय बाय।